Hello student, I will teach you. How are you? I will teach you GK standard 2. GK हम standard 2 में chapter number GK में हमारा है 11. Chapter का name है some useful articles. कुछ इसका meaning है कुछ जो हमारे लिए उपयोगी औजार है ये सारे है. तो हमें जानना है कि कौन कौन से हमारे articles है, औजार है और उसका क्या use है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पिक्चर्स ऑफ सम यूजफुल आर्टिकल्स आर गिवन बिलो सीच पिक्चर्स एंड राइट इट्स करेक्ट नेम इज द ब्लैंक्स. चूज द नेम्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. यहाँ पे नीचे कुछ आर्टिकल्स दिए हैं, उसके नेम्स दिए हैं बॉक्सेस में, उसमें से हमें पहचान के उसके नेम है वो नीचे लिखने हैं. पहले हम ये सारे बॉक्सेस के जो नेम्स है वो देख लेते हैं. पिंसर्स, मेजरिंग टैप, की, टॉर्च, अ पेयर ऑफ सीजर्स, एक्स, सो, स्ट्रेनर, हैमर, नीडल एंड थ्रेड, इरेजर, फनल, बैलेंस, शार्पनर एंड स्पेड. तो ये सारे हमारे यूजफुल आर्टिकल्स के नेम्स है. तो हमें नीचे जो बॉक्सेस में उसके पिक्चर दिए हैं, उसके नीचे हमें पहचान के इसमें से नेम लिखने हैं. मैंने लिखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट है पिक्चर, वो है सो का पिक्चर. ये जो सो है वो कौन यूज करता है? तो ये कारपेंटर यूज करता है, इससे वो लकड़ी को काटता है. तो यहाँ पे आपको लिखना है एस ए डब्ल्यू सो. नेक्स्ट है टॉर्च. तो ये टॉर्च है हमारे लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम जब घर पे लाइट चल जाती है या फिर अंधेरे में कहीं पे हमें जाना होता है तो हम टॉर्च का यूज करते हैं ना. तो ये टॉर्च तो सबके घर में होती है, तो ये बहुत ही हमारे लिए यूजफुल है. तो यहाँ पे लिखना है टॉर्च, टी ओ आर सी एच, टॉर्च. नेक्स्ट है हैमर. तो हैमर का यूज कौन कौन करता है? तो हैमर का यूज हम घर पे भी करते हैं. हम घर पे हमें कोई की नील लगानी हो दीवार पे तो उसमें हम हैमर का यूज करते हैं. फिर ये जो कारपेंटर है, फिर ब्लैक स्मिथ है, वो सब सारे जो है वो भी हैमर का यूज करते हैं. तो यहाँ पे लिखना है हैमर, एच ए डबल एम ई आर. नेक्स्ट है इरेजर. तो वो तो आप भी यूज करते हो बच्चों, क्योंकि उसके इरेजर के अलावा तो आप आपके लिए जरूरी है बहुत, क्योंकि आपके जो आप लिखते हो तो आपको इरेजर का इरेजर की जरूरत पड़ती है ना. तो हमारे कंपास बॉक्स में हमेशा इरेजर रहता है बच्चों. तो ये यहाँ पे लिखना है इरेजर, ई आर ए एस ई आर. नेक्स्ट है पिंसर्स. पिंसर्स का यूज हमारी मम्मी किचन में करती है. किचन में मम्मी को ये काम में आता है. तो यहाँ पे लिखना है पिंसर्स, पी आई एन सी ई आर एस, पिंसर्स. नेक्स्ट है पिंसर्स का मतलब होता है सर्न सी. नेक्स्ट है सिक्स बैलेंस. तो बैलेंस का मीनिंग होता है तराजू. ये बैलेंस है सब यूज करते हैं, जो दुकानदार होते हैं, जिसकी शॉप होती है उसको ये, और जो सब्जी वाले होते हैं वो भी यूज करते हैं बैलेंस को. इसके जरिए वो हमको तोल के हमें सब सारी चीजें वो देते हैं. तो यहाँ पे लिखना है बैलेंस, बी एल ए एन सी ई बैलेंस. नेक्स्ट है स्ट्रेनर. स्ट्रेनर का मीन्स होता है ऐसे कविता जैसा होता है. तो वो हम हमारे लिए घर पे भी यूजफुल है. फिर ये जो नाश्ता बनाते हैं स्टॉल पे, वहां पे भी वो लोग भी यूज करते हैं. तो यहाँ पे लिखना है स्ट्रेनर, एस टी आर ए आई एन ई आर, स्ट्रेनर. नेक्स्ट है फनल. तो फनल है वो गरणी, इसको बोलते हैं गरणी. तो उसका यूज क्या होता है? हम कुछ भी हमें पानी छलना हो तो उसके जरिए हम कर सकते हैं. इससे कोई भी लिक्विड की चीज है वो इसके जरिए हम कोई भी जो कैन होता है प्लास्टिक का उसके उसके हम उसमें भर सकते हैं, बड़े बर्तन में हम डाल सकते हैं. नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ सीजर्स. तो सीजर्स का यूज, सीजर्स मीन्स होता है कैंची. ये कैंची तो सबके घर में होती है, सब ज्यादातर यूज उसका ट्रेलर वाले करते हैं, क्योंकि वो कपड़े सिलते हैं उसमें उसको उसकी जरूरत होती है, इसलिए वो यूज करते हैं.
नेक्स्ट है स्पेड, तो स्पेड का मीनिंग होता है छलनी। जब हम चाय बनाते हैं, मम्मी घर पे चाय बनाती है, तो ये चाय में चाय को गलगलने के लिए स्पेड का यूज करती है। नेक्स्ट है शार्पनर, तो ये तो आपको कंपास बॉक्स की चीज है, तो ये कंपास में हमेशा आप में रहती है ना, इससे आप लीड है पेंसिल की वो करते हैं, तो ये है शार्पनर, यहाँ पे लिखना है शार्पनर। संचा, नेक्स्ट है मेजरिंग टेप, मेजर टेप मतलब नाप लेने की पट्टी, तो ये जो है ट्रेलर वाले है वो कपड़े सिलते हैं, तो ये मेजर टेप का यूज करते हैं, तो ये उसके लिए जरूरी है। नेक्स्ट है की, तो हमारे घर में ताला, सबके घर में ताला तो होता ही है, तो उसकी की है ये KEY, की मीन्स होता है चाबी, तो ये चाबी तो सबको चाहिए होती है ना, तो ये भी हमारे लिए, इसके बिना हम ताला खोल ही नहीं सकते। फिर नेक्स्ट है एक्स, तो ये एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का यूज कौन करता है, कारपेंटर, वो लकड़ी काटता है ना, और इसके जरिए वो लकड़ी काटता है, फिर उसमें से तो सारी चीजें बनाता है, तो ये उसको यूजफुल है। नेक्स्ट है नीडल्स एंड थ्रेड, तो ये नीडल्स एंड थ्रेड तो सबके घर में होती है, सुई और धागा, तो ये तो सबके घर में होती है ना, सब हमारी मम्मी यूज करती है, जब हमारे कपड़े कोई फट गए होते तो उसको सिलने के लिए, तो उसमें काम आता है, इसलिए ये सबके घर में होता है और बहुत ही यूजफुल है। तो बच्चों आपने देखा कि ये सारे आर्टिकल्स से हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, ये कुछ उसमें से आर्टिकल है वो सारे हमारे घर में होते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, कुछ कुछ है वो जो हमारे मैकेनिक हमारे जो काम करने वाले होते हैं, जिसको ये जिसकी कारपेंटर है, फिर ब्लैक स्मिथ है, ये सारे लोग है उसके, फिर सब्जी वाले वगैरह जो ट्रेलर है वगैरह है वो रखते हैं सारे आर्टिकल्स, और बाकी के जो आपने देखे होंगे वो आपके घर में भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी जरूरत होती है। तो बच्चों आपने ये सारे आर्टिकल्स देखे और उसके नाम भी देखे और लिखे, तो आपको भी ये जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको आपकी GK की बुक में है वो आपको लिखना है अच्छी राइटिंग में।